कैसे हो आप सभी। गुड आफ्टरनून। होने में मात्र 15 मिनट बचे हैं, उससे पहले 15 मिनट बीत जाए उससे पहले मैं बोलती हूँ गुड मॉर्निंग। अभी वीडियो आपको इवनिंग में देखने को मिलती है तो गुड इवनिंग की सभी को। अभी मैंने शॉवर ले लिया था सुबह में, मतलब नहा धो के और पूजा पाठ कर लिया। आज गुरुवार है तो आज मैं फास्ट नहीं हूँ। मैंने सुबह में नमकीन थोड़ा सा खाया है, देन लंच बन रहा है। अभी रोटी सेकना बाकी है, सिस्टर नहा रही है तो रोटी बनाएगी, फिर हम लोग लंच करेंगे। और अभी आपने मेहंदी का क्लिप देखा तो आप लोग सोच रहे होंगे मेहंदी मैंने क्यों लगवा लिया, इतनी ठंडी में मेहंदी भला कौन लगवाते हैं। तो मैंने लगवाया है मेहंदी, आज मुझे जाना है शादी में। आज है गुरुवार और आज जाना है शादी में। कल ये ब्लॉग आई थिंक कि आप लोग देखोगे तो कलर इतना ही आया है, देखिए बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है, क्योंकि लगता है ना कीप जो है दुकानों पे रखे रखे ठंडियों में कोई इतना खरीदता नहीं है, लगन के टाइम में ही बिकता है तो फिर ख़राब हो गया था आई थिंक, बांसुरी था बट इतना कलर नहीं आया। वैसे मेरी मेहंदी तो बहुत रचती है पर इतनी रची है इस बार, तो अभी आई थिंक शाम तक रच जाए। तो मैं अभी लंच करूँगी, देन ब्लॉग को एंड, मतलब ब्लॉग को जो एक मैंने और जो कल ब्लॉग देखा उसको एंड करके और उसको एडिट करूँगी, देन लंच करने के बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो भी होगा आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। और क्या पहनूँगी मैं आज शादी में, और मैंने क्या अपने पैसे से, अपने मतलब जो भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो उस पैसों से मैंने अपने लिए क्या क्या लिया है आज की भी वीडियो में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं शादी वाला वीडियो डालूँ उसमें ही डालूँ कि मैं क्या क्या शादी के लिए स्पेशली खरीदी हूँ अपने लिए, तो वो सब आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। चलिए लंच कर लेते हैं, देन आपने जो कल वीडियो देखी है ना उसको अभी एडिट करने जा रही हूँ, तो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, देन उसके बाद से लंच करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके बाय। हेलो फैमिली, शाम का टाइम हो गया। सुबह ब्लॉग स्टार्ट तो की थी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और फिर मैं तो सो गई थी। अभी उठी, उठने के बाद झाड़ू बर्तन करके सब्जी वब्जी कट कर दी क्योंकि मुझे जाना है शादी में, और सिस्टर बना लेगी रोटी सब्जी। तो अभी घर पे रहेंगे बड़े वाले भाई, दादी, बाबा और छोटी पवन जी, और मैं जाएंगे शादी में। तो शादी में जाने से पहले, रेडी होने से पहले मैंने सोचा कि कुछ मैंने शॉपिंग करी है तो आप लोगों से शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग ये ना कहो कि दीदी आपने कोड नहीं दिया, दीदी आपने बताया नहीं। तो चलिए पहले शेयर कर देती हूँ। और ठंडी अभी कम है क्योंकि 2-3 दिनों से ना बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम ठीक है, इंजॉय कर पाएंगे। स्वेटर वेटर पहन के नहीं, वैसे भी भीड़ भाड़ में कौन स्वेटर पहन के जाता है, सब लोग हीरोइन ही बनते हैं। कितना भी ठंडी रहना, लड़कियां कहाँ जयमाल में स्वेटर पहनती हैं। तो अभी चलिए फटाफट से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है ज्वेलरी, जो कि मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। अरे मोबाइल वक्त कवर वहाँ पर लग गई लाल, तो जो कि बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। ऐसे ही पैकेजिंग था, इसके ऊपर एक रैप भी था जो कि मैंने खोल दिया है। तो कुछ ऐसे है ज्वेलरी, दिखा देती हूँ खोल के। इसको मैंने मीशो से लिया है, तो कोड मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। कुछ ऐसे इसका लुक है, पहनूंगी तो बिल्कुल दिखा दूंगी मैं, क्योंकि अभी इसी वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगी कि मैं तैयार होती हूँ तो फिर पहन के मैं दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो ये इयरिंग इसके साथ में है, ये हो गया नेक पीस एंड इसके साथ है इयरिंग। इयरिंग इसका काफ़ी खूबसूरत लगा, इसीलिए मैंने इसको लिया था इयरिंग के वजह से, क्योंकि इसका इयरिंग का डिजाइन एंड ये बहुत अच्छा लगा मुझे पहनने के बाद। आई होप कि अच्छा लगेगा, क्योंकि मेकअप के साथ करूँगी ना, पहनूँगी तो अच्छा लगेगा। तो इसका इयरिंग है, इसके साथ टीका नहीं है, बस नेक पीस और इयरिंग है। देन इसके बाद मैंने लिया है ये, और सारा कुछ मैंने ब्लैक ब्लैक ही लिया है क्योंकि मुझे ब्लैक कॉम्बिनेशन में सब कुछ चाहिए था। तो और इसके साथ मैंने ये ले लिया है, ब्लैक है ये भी, जो कि एक हाथ में ही वेयर करूँगी। देन इसके बाद लिया है मैंने साड़ी, जो कि मेरा, आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पेमेंट जब आया था तो मुझे पहले से इनविटेशन मिला था कि जाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पैसे में से साड़ी भी परचेज कर लेते हैं। तो साड़ी का ब्लाउज रेडी हो गया, बस आज जाना है, सब कुछ पहले से रेडी था। तो ये इसका ब्लाउज का क्लॉथ था, मतलब कपड़ा था, बट मैंने इसको सिलवा लिया है, सिंपल सा था आगे, जैसे बैक में ये वाला था सिंपल और आगे में ऐसे कुछ डिजाइन था। तो ये है ब्लाउज, और ये है ब्लाउज, और ब्लाउज मैंने सिलवा लिया है, बहुत अच्छा है, पहन के देख भी लिया है कैसा लग रहा है, और आप लोग बताना आगे वीडियो देख के कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। देन इसके साथ है ब्लैक साड़ी, आज तक मैंने लाइफ में कभी ब्लैक साड़ी नहीं पहना है, ना ही परचेज किया कुछ
ब्लैक में, तो अभी इस बार मैंने सोचा था ना ब्लैक साड़ी पहनेंगे, तो ब्लैक साड़ी मैंने लिया था। तो साड़ी कुछ ऐसे है, नेट के फैब्रिक में है और इस पे सीक्वेंस का वर्क है। सीक्वेंस का वर्क हाफ मतलब घुटने से नीचे जितना वर्क आता है ना उस पे है। ऊपर साड़ी सारा प्लेन है, देन इसके बाद इस पे दिया हुआ है मैरून कलर का गोटा। और ये साड़ी मतलब जब पहनूंगी तब पता चलेगा कि कैसा है, वैसे तो अभी ऐसे ही दिख रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। तो वो साड़ी कुछ ऐसे है और कैसा लगेगा मेरे ऊपर बताना, आगे वीडियो देखना फुल, क्योंकि इसी ब्लॉग में मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी, देन एक मेकअप वीडियो आएगा, प्रॉपर मेकअप वीडियो मैं इस साड़ी के साथ कैसे क्रिएट करती हूँ। देन इसके साथ मैंने लिया एक सैंडल, तो जो कि कुछ ऐसे है, इसको क्या दिखाना, देखो कुछ हील्स पे है, इतना है क्योंकि मेरा सैंडल ना पवन जी तोड़ दिए थे तो ये सैंडल लिया है। तो ये सब मैंने की है स्पेशली शादी के लिए शॉपिंग, क्योंकि शादी में प्रॉपर मैं ब्लैक दिखना चाहती थी, तो मैंने ये सारा कुछ शादी के लिए ही लिया है। देन कल भी मैंने शॉपिंग की वीडियो डाली हुई थी कि मैंने क्या क्या किचन के लिए शॉपिंग किया है। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो भी होगा आगे व्लॉग में शेयर करते हैं। अब चलते हैं, पहले फेस वॉश करेंगे, साड़ी पहन के आएंगे, देन मेकअप लुक भी मुझे क्रिएट करना है। मुझे जाना है 7 बजे से और अभी हो रहा है 5:42, टोटल मैं अभी से 8 बजे तक बिजी रहने वाली हूँ क्योंकि यूट्यूब का बहुत सारा काम है। देन रील्स बनाऊंगी, तो रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे चाहिएगा प्रिया द्विवेदी 9919। और 2 दिन से ना फेस पे कुछ नहीं लगा रही, इतना अच्छा लग रहा है ना खुद का फेस। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लगा ली हूँ नेल पेंट। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मेरी फ्रेंड है उनकी सबसे छोटी मौसी का शादी था, तो मैं जाने के लिए तैयार हुई थी बहुत टाइम पहले से, जब इंगेजमेंट हुआ था तभी से मुझे इनविटेशन मिला था। तो देवरिया में था इसलिए मैंने सोचा कि चलो चल चलते हैं, क्योंकि नज़दीक का था, दूर रहता तो वैसे भी मैं नहीं जाती। और मेरी जो फ्रेंड है वो गोरखपुर की हैं, तो मेरी फ्रेंड का नहीं था, इसी ब्लॉग में बता देती हूँ। तो आगे की वीडियो बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ नेल पेंट लगा ली थी, देन इसके बाद से ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट मैंने निकाल के अच्छे से रख लिए थे, क्योंकि मुझे मेकअप वीडियो शूट करना है। तो अभी मेकअप वीडियो बाद में आएगा, अभी तो ब्लॉग ही आएगा 2-3 दिन, तब लास्ट में मेकअप वीडियो डालूंगी। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, उम्मीद है बहुत सारा प्यार दोगे आप लोग। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।